हे गाइस, टोल की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं दलकेदारिया और आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्या हमारे खंड यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अभी भी मूव कर रहे हैं। इसका आंसर मैं दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरी की पूरी देखिए। इसका जवाब है हाँ। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हमारा पृथ्वी का कोर भाग बना है गर्म लावे से और इसके ऊपर तैर रही है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स यानी खंडों की प्लेट्स। तो दोस्तों, ये बात है करीब 20 करोड़ साल पहले की, जब सभी खंड एक साथ थे और एक बड़ा सा लैंड एरिया क्रिएट करता था। इन्हीं सालों के दौरान ये सभी प्लेट अलग अलग होके खंडों में विभाजित हो गए। तो आज पृथ्वी पे टोटल 7 खंड है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो पृथ्वी को समझने के लिए एक बॉल इमेजिन करो जिसकी सतह पे गर्म लावा हो और वो स्लोली मूव कर रहे हो। तो इस सतह पे जब आप प्लेट्स रखोगे तो वो स्लोली मूव करेगी और सेपरेट हो जाएगी। तो मैं जियोग्राफी समझाने के लिए आपको प्लेट्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, नजागा प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कोटिया प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, ये सभी सब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है और वो सभी जुड़ के एक बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट बनाती है। ऐसे देखा जाए तो यूरोप कोई खंड नहीं है, वो एशिया का ही पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसे एक खंड बनाया गया है। जब कभी भी दो प्लेटों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने की वजह से भूकंप आते हैं यानी अर्थक्वेक आते हैं, जब कभी भी दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर खिसकती है और पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज बनाती है तो इसे कहते हैं कन्वर्ज। इसी तरह दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है और बीच में समुंदर बनाती है तो इसे कहते हैं डाइवर्ज। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में 65% जमीन आई हुई है जबकि 11% जमीन दक्षिण गोलार्ध में आई हुई है। पृथ्वी की सभी प्लेटों की मैक्सिमम थिकनेस यानी मोटाई है 70 किलोमीटर। तो अब बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में। ये पर्वत श्रृंखला बनी है दो प्लेटों के टकराने से और वो दो प्लेट्स है इंडियन और यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट के टकराव से बनी है हिमालयन माउंटेन रेंज और आज भी ये माउंटेन रेंज आगे बढ़ रही है। तो अब बात करते हैं वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स के बारे में। तो ये एक छोटा सा टापू है जो बना है वोल्केनो से यानी ज्वालामुखी से। ये सभी प्लेटों से अलग है और ये किसी प्लेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है। एंटार्क्टिका एक ऐसा खंड है जिसकी 99% जमीन बर्फ से ढकी है। तो अब बात करते हैं कितना परसेंटेज जमीन किस खंड के पास। तो बात जमीन की आती है तो एशिया के पास है 30%, अफ्रीका के पास है 20%, नॉर्थ अमेरिका के पास है 16%, साउथ अमेरिका के पास है 12%, एंटार्क्टिका के पास है 9%, यूरोप के पास है 7%, ऑस्ट्रेलिया के पास है 6%। 200 मिलियन साल पहले ये सभी जमीनी इलाका एक साथ था और इसे कहा जाता था पांजिया। 100 मिलियन साल पहले ये कुछ इस तरह दिखता था और आज पृथ्वी इस तरह दिखाई दे रही है। और एक सच्चाई ये है कि हम जितना पृथ्वी के नीचे जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। नॉर्थ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के लिए एक माइन यानी टनल बनाई गई, इतनी गर्म है कि वहां पे कोई इंसान नहीं रह सकता। इसे आर्टिफिशियली कूलिंग किया जाता है, आर्टिफिशियली इसे ठंडा किया जाता है ताकि वहां पे वर्कर काम कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।